हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआर फैशन पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फैब्रिक बो, जिसकी लेंथ मैंने 15 इंचेस ली है और विड्थ ली है मैंने 5 इंचेस तक। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बो बनाने के लिए हमें स्ट्रिप्स पे इस तरह से डबल फोल्ड करके और स्टिच करनी है। दोनों साइड स्लांटिंग लाइन और सेंटर में से ओपन रखना है। इस तरह मैंने स्ट्रिप्स को रेडी किया है। अब सेंटर में से जो हमने ओपन रखा था, वहाँ से हम स्ट्रिप्स को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब कॉर्नर्स को भी हम इस तरह अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे और इन स्ट्रिप्स को अच्छे से रेडी करेंगे। स्ट्रिप्स मेरी रेडी हो चुकी है। अब स्ट्रिप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ हम इस तरह क्रॉस में फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पूरे में हम एक सेंटर में मार्क कर देंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ हम इसको अच्छे से एक रफ स्टिच करेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद इस थ्रेड को हम इस तरह से खींच लेंगे और पूरे सेंटर में इस तरह से थ्रेड को लपेटेंगे। तो इस तरह बो हमारा हाफ रेडी हो चुका है। यहां से इस थ्रेड को हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह वो रेडी हो जाने के बाद सेंटर को कवर करने के लिए मैंने ये एक स्ट्रिप ली है। अब यहाँ पे हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे और इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब इसको हम बो के सेंटर में फिक्स करेंगे। इस तरह से पूरे में कवर करना है। अब यहाँ भी हम इस तरह से स्टिच करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह ये बो हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे कहीं भी यूज़ करके और अच्छा सा लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे अलग अलग साइजेस के बो रेडी हैं। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।